So what example we are setting for all these people who are standing here? हम तीन गैंग लीडर्स खड़े हैं, ये बंदे खड़े हैं सामने, 12-15 लोग जो खड़े हुए अपने घर बार छोड़ के आए हुए हैं, माँ बाप को छोड़ के आए हुए हैं, रोज इनके ऊपर तलवार लटकती है कि आज एलिमिनेट हो जाएंगे। ये क्यों सुने तुम्हारी बात, या मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तो मैं चाहता हूँ आपसे कब आता हूँ, मेरा कैसा होता है नेचर, मैं अपने क्रू से मिलता हूँ, कैसे होता है मेरा, इनके साथ ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं गलती, अगर मैं कमी छोड़ रहा हूँ ना, कमी यहाँ भी छोड़ी जा रही है। मेरी बात सुन, तुम बॉल फेंकते हो, एक दीवार पे बॉल लगती है वापस आती है, आप पकड़ते हो, दूसरी बार आप बॉल फेंकते हो, बॉल दीवार पे लगती है, बॉल वापस नहीं आती है, तो आप फिर फेंकोगे बॉल, आपको पता है वापस नहीं आ रही है बॉल, छोड़ दो, आगे बढ़ो। इस शो में जो तीन कुर्सियों पे आप बैठे हो, आप रिया और गौतम की रिकमेंडेशन पे नहीं आए हो, रिया आप दोनों की रिकमेंडेशन से नहीं आई, और गौतम आप दोनों की रिकमेंडेशन से नहीं आया, और ना मैं किसी की रिकमेंडेशन से आऊँ। ये जितने लोग जो ऑडियंस है ये देखना चाहते हैं आप लोग, पर जो देखना चाहते हैं आप वो दिखा नहीं रहे, आप कुछ और ही दिखा रहे हो। मैं देखो, मैं जैसा हूं मैं नहीं चेंज कर पाऊंगा, क्योंकि साहब सामने से मेरे को जो रिएक्शन मिलता है, ये एक्शन रिएक्शन है, इस जो बात पे मैं कुछ कहना चाहती हूं, आज तक इन्होंने भाई एक बार भी नहीं है ना, 20 डेज इन्होंने एक बार भी आके मुझसे खुद बात करने की कोशिश नहीं करी। क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मैं, जब कल मैंने इसकी रिया की हेल्प करी थी, इसको मत निकाल, चाहे वो हेल्प हो या ना हो, इसको मत निकाल, क्योंकि मेरे को लगा कि गलत इंटेंशन निकाल रही है। मैं कोई वो नहीं हूँ इंसान की मैं इसे नफरत करता हूँ या मेरे कोई पर्सनल ग्रजेस हैं इनसे, मैं भी चाहता हूँ कि ये आके सॉर्ट करें कि हम करेंगे आराम से, लड़ाई होती है तो अच्छा, पर ये उसके बाद में रहते हैं भाई। तू बढ़िया बंदा, मैं जानता हूँ, आप पूछो भाई कितनी बार समझाने की कोशिश की, आपको भी समझाने की कोशिश की सब, पर मैं बोलता हूँ जब हम देखते हैं थोड़े से क्रैक पड़ गए हैं किसी चीज के कारण, हम ओवरनाइट उसको मेंड नहीं कर सकते, उसमें वक्त लगेगा निकालने में। अगर भाई चल, अगर आपका कोई मेकअप आर्टिस्ट या आपके स्टाफ को कोई बंदा बोलता है मैं तुम्हारे बारे में बिचिंग करता हूं, बोल कि सुन, पूरी जाननी निकल गई भाई, भाई निकल एक दिन नहीं निकला इनके पास बात करने का, एक दिन भी की प्रिंस मेरा भाई रहता है, आजा साथ बैठते हैं, हमारी जिंदगी जर्नी इससे लंबी है। बिल्कुल वही तो कह रहा हूं ना, हम जब पहले लड़ते थे हम यहां से निकल के साथ बैठे होते थे, हमारे कभी आर्टिकल नहीं आते। नहीं सर, एक्चुअली सर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, प्रिंस ध्यान से सुन, मैं कुछ बुरा नहीं बोलना चाह रही हूं, जब हमारी बीच जो भी हुआ हुआ, फिर प्रिंस और मैंने बात की चैल से पहले पटियाला में, हमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की, सब ठीक था, ठीक है, फिर वो हुआ आईक्यू वाला टास्क, उसमें पता नहीं कैसे सडनली मेरे को देख के बोलता, अबे तू चल, मैंने कहा मुझसे बात करो, तमीज से बात करो ना, आपको लड़ना है गेम में लड़ो, लेकिन ये तू तड़ाक अबे चल, ये मेरे से नहीं चलेगा, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती। तो उस दिन के बाद मुझे लगा ठीक है, जो ये सब हमने क्लैरिफाई किया था, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ ना। जब मैंने आपको पहले, आप मेरी उनसे फाइट चली पूरे गैंग से, तो पहला शब्द मैंने आपको नहीं बोला, मैंने दिग्विजय को बोला था, तो आपको लगा, आपको बोला क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट था, तो मैंने आपको बोला कि आप भी बैठो, आपने बोला तू चल, मतलब तुम भी चलो, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। अच्छा, अगर मैं पहला दिग्विजय को बोला होगा, लेकिन उसके बाद आपने मुझे बोला,